नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और इस वीडियो में हमारे पास जो अभी लास्ट सैटरडे का टारगेट टेस्ट था हिंदी का, उसका पहला 50 प्रश्नों का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन रहेगा, यानी पार्ट फर्स्ट के रूप में। पार्ट सेकंड भी आपको जल्दी से यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो भी लोग आपका ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट से जुड़े थे, तो जो भी अगर आपके टेस्ट सीरीज में डाउट्स वगैरह होंगे तो वो यहाँ पर क्लियर कराने की कोशिश रहेगी। और जो लोग नहीं भी हैं तो आपका जरूर यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिवीजन के लिए मिलेंगी, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका कुछ जो हमारे पास के अपभ्रंश के रूप मिलते हैं भारत में, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास मिल जाते हैं। पहला था कि पश्चिमी हिंदी अर्धमागधी से, तो सभी जानते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास मिलता है वो हमें किससे मिल जाएगा, सौर सैनी से मिल जाता है। तो ये तो हो गया गलत। देखो अब एक तरीका और है कि इस प्रकार के प्रश्नों का कैसे सॉल्व किया जाता है। कई सारी चीज़ आजकल जो प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख रहे होंगे, तो इस तरीके से भी थोड़ा सा लेंदी पेपर कह सकते हैं, लेंदी प्रश्न आपको थोड़ा सोचने विचारने पर आपका मजबूर कर रहा है, तो वहां पर आपको देखना है किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि पहला पश्चिमी हिंदी अर्धमागधी से नहीं सौर सैनी से, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा गुजराती सौर सैनी से, तो बिल्कुल सही है। तीसरा असमिया मागधी से, ये भी सही मिल जाएगा। और चौथा है राजस्थानी ब्राचर से, जबकि राजस्थानी भी आपका किससे मिल जाएगी, राजस्थानी का विकास भी सौर सैनी अभ्रंश से मिल जाता है, यह भी गलत। अब आपको पूछा क्या गया कि निम्न में से सही कौन सा है। सही का निशान देखो किस किस पर है, दो और तीन, इसलिए यहां पर आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। तो तरीके से एक एक करके थोड़ा समय दो क्वेश्चन को, तब जाके चीजें आपका आसान हो जाएंगी। हां, थोड़ा सा अभ्रंश की अगर हम बात करें फटाफट से शॉर्टकट तरीके से यहां पर, तो हमारे पास भारत में जो अभ्रंश के रूप मिलते हैं, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर सौर सैनी सबसे पहला मिलता है, और हमने कई बार देखा सौर सैनी में आपको बस केवल क्या याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी से मिलता है। पश्चिमी हिंदी होगी तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में होगी, साथ साथ में पश्चिम क्षेत्र में और कौन कौन से राज्य मिल जाएंगे, गुजरात, तो गुजरात की गुजराती यहाँ पर मिल जाएगी, और राजस्थान मिलेगा तो राजस्थान की राजस्थानी भी यहाँ पर आपके पास मिल जाती है। दूसरा हमारे पास अभ्रंश आता मागधी, और आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि मगध प्राचीन नाम मिलता बंगाल बिहार क्षेत्र का, तो बंगाल बिहार के साथ साथ दो और राज्य मिलते हैं। देखो बंगाल की बांग्ला यहाँ पर आ जाती है, बिहार की बिहारी इसमें आ जाएगी, और इसके अड़ोस पड़ोस के दो, देखो पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो हमारे पास असम की असमिया या असमी मिल जाती है, और साथ साथ में बिहार से थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो उड़ीसा की उड़िया आपके पास यहाँ पर मिल जाती है, ठीक हो जाएगा। तीसरा हमारे पास मिलता है आपका अर्ध मागधी। जब मागधी अभ्रंश का विकास इन सभी भाषाओं से, ये सारे जो राज्य हैं आपका पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं, तो अर्धमागधी भी कहीं ना कहीं यहीं से हो जाएगी, तो अर्धमागधी से विकास मिलता है किसका, पूर्वी हिंदी का, ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ब्राचड़ अभ्रंश मिलता है, और ब्राचड़ में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर आपका सिंधी व पंजाबी का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, विकास मिल जाएगा ब्राचड़ अभ्रंश से। और ध्यान रखना पंजाबी के लिए स्पेशली कभी कभार पैसाची अभ्रंश भी मिलता है, जो कि ब्राचड़ के अंतर्गत आपका मिल जाता है। फिर हमारे पास खस अभ्रंश आता है, खस से आपका किसका, पहाड़ी हिंदी का विकास मिल जाएगा। और फिर हमारे पास कौन सा, महाराष्ट्री मिलता है, महाराष्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्री अभ्रंश से मराठी हिंदी का या मराठी भाषा का विकास मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे यार नहीं खस तो आपका गढ़वाली कुमाऊँ, अगर हम देखें तो आपका परीक्षावाणी में तो सौर सैनी दिया हुआ है, वहाँ पर अपने हिसाब से सही है, लेकिन हम हिंदी में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपके पास ब्राचड़ और खस अभ्रंश मिल रहे ना, इन दोनों का विकास भी किससे मिलता है, सौर सैनी अभ्रंश के ही अंतर्गत इनको देखा गया है, माना गया है, माना जाता है, रखा गया है। और ठीक है, वो क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में आया था ना, बहुत सारे बोला नहीं जी परीक्षावाणी में तो इसका सौर सैनी दिया, इसका तो खस कैसे हो सकता है, वो ठीक उस तरीके से मैंने कहा था कि जिस तरीके से आपके पास आ जाए कि केदारनाथ मंदिर स्थित है, ऑप्शन में आपके पास रुद्रप्रयाग भी और उत्तराखंड भी हो, सटीक आंसर पर जाओगे तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, अगर सटीक आंसर रुद्रप्रयाग ऑप्शन में ना हो तो आप उत्तराखंड राज्यों के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक उस तरीके से पहाड़ी हिंदी अगर ऑप्शन में खस मिलता तो पहली प्राथमिकता खस अभ्रंश, नहीं होगा तो आपका सौर सैनी अभ्रंश मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न था कि सही सुमेलित, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें सही सुमेलित है। आपने पहला चैप्टर जो हमारे पास मिलता है कई बार हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ों को, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से प्रश्न बनने तो सभी लोग इसके पीछे भी भाग रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है कई सारे संस्थान देखे जो राजभाषा राष्ट्रभाषा वगैरह के प्रचार प्रसार से संबंधित थी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आपके पास 1971, देखो पेपर में कई सारे लोग इसको 1800 1900 में गड़बड़ कर दिया,
तो ये 1971 का नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करेंगे तो 1957 मिल जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करेंगे तो 1960 मिल जाएगा, और नागरी लिपि परिषद ये बिल्कुल सही है। यानी देखो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है। आपको पूछा जो सही है तो सही देखो केवल चार, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित और भी चीजें हमारे पास मिलती है, जैसे मैं 1961 की बात करूं हमारे पास वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग आ जाएगा, 1957 दो चीजें हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट यहां पर आ जाएगा, संसदीय राजभाषा समिति भी 1957 में जिसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। आगे जाके हम केंद्रीय हिंदी समिति पढ़ते हैं 1967 में, वो भी मिल जाएगी। यहां पर दो चीजें हैं, नागरी लिपि परिषद 1975 और काशी में नागरी प्रचारणी सभा आएगा 1893 आपके पास मिल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में 1936 में स्थापित मिलती है, और हिंदी विद्यापीठ मिलता है 1929 में, देवघर झारखंड में इसकी स्थापना की गई है। प्रयाग में आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में पढ़ा है, साहित्य अकादमी संस्था की बात करेंगे तो 1954 में आपके पास ये संस्था भी मिल जाती है ना, तो ध्यान रखें इन चीज़ों को रिवीजन में रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी वर्तनी सही हैं। सभी वर्तनी अगर हम सही की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे भगीरथी की, देखो दो शब्द हैं, अगर मैं नदी के हिसाब से देखता हूं तो ये भागीरथी है, और भगीरथ राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा को पृथ्वी अवतरण करवाया था, अगर मैं उनके हिसाब से देखूं तो ये आपका तब क्या मिल जाएगा, भगीरथ यहां पर शुद्ध मिल जाता है। तत्कालिक नहीं, ये आपका तात्कालिक हो जाएगा। बादाम नहीं, ये आपका क्या मिल जाएगा, बादाम शब्द मिल जाता है। और अनुग्रहित, देखो अनुग्रह में तो ठीक है गा के नीचे रहा होगा, लेकिन अनुग्रहित इस तरीके से शुद्ध होगा, नोट करते रहे इन चीजों को, ठीक है। सूची पत्र, हमने कई सारे शब्दों को देखा था जिसमें कुछ शब्द जुड़कर उनकी मात्रा का क्या हो जाता है, हरस्वीकरण हो जाता है, लेकिन सूची शब्द तो क्या ही रहने वाला है, बड़ी ई की मात्रा, सूची पत्र यहां पर आपका मिल जाता है। व्यावसायिक नहीं, ये भी आपका व्यावसायिक एक प्रत्यय लग के आपको पता है मात्रा का चेंज हो जाता है। साधु नहीं, साधु इस तरीके से चेंज करते रहे। क्षत्रिय नहीं, बल्कि क्या मिल जाएगा, क्षत्रिय शब्द आपको शुद्ध मिल जाएगा, ठीक है। केंद्रीयकरण नहीं, ये क्या मिलता है, केंद्रीय, केंद्रीकरण इसमें या नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हाँ राष्ट्रीयकरण करेंगे तब राष्ट्रीय या भी आ जाएगा। अंताक्षरी नहीं होता है, यह शुद्ध क्या होगा, अंत्याक्षरी। चाहे तो आप इस अनुस्वार को ता पर ना भी लगा सकते हो, ठीक है, गौरव में दो मात्रा होगी, और अनुदित नहीं, अनुदित, अनहलंत प्लस उदित, ठीक है, तो यहां पर आपका अनु प्लस उदित से उदित बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहां पर भी वही चीज थी। सूर्पणखा, कई सारे नाम हमने प्रैक्टिस सेट में लिखे हैं कि सूर्पणखा जो है ये गलत है, अभी देखेंगे, पहले शोषणीय भी गलत मिल जाएगा, रिद्धि सही है, और समीक्षा नहीं, समीक्षा ये गलत है। शुद्ध वर्तनी केवल तीन आपके पास मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड, पहले इनको सही कर लें। तो देखो हमारे पास सूर्पणखा इस तरीके से ये वर्तनी शुद्ध मिलती है। सोच में तो इतना ठीक है कि सा आपका दंत्य रहेगी, लेकिन अगर मैं सोचनीय लिखता हूं ना तो वहां पर आपका सा चेंज हो जाती है, भाई ध्यान रखें इन चीजों का, ठीक है। समीक्षा नहीं, ये क्या मिल जाएगा आपको, समीक्षा शब्द आपको यहां पर ये मिल जाता है। कुछ नाम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जैसे सूर्पणखा तो ठीक है, सूर्पणखा होता है, ऐसा ही हिरण्य कश्यप नहीं, हिरण्य क्या मिल जाएगा, हिरण्य कशिपु शब्द मिलता है, हिरण्य कशिपु, उच्चारण सुधारेंगे बहुत आसान है, ठीक है। मैथिली नहीं, बल्कि हमारे पास क्या मिलता है, मैथिली शरण एक शब्द यहां पर मिल जाएगा। सच्चिदानंद हम कहते हैं, डबल चा होगा ध्यान रखना, सच्चिदानंद इस तरीके से मिल जाएगा। वाल्मीकि शब्द मिलता है, वाल्मीकि, कैलाश अगर नाम के हिसाब से तो हम तालव्य सा लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना वर्तनी के हिसाब से उसमें क्या मिलेगा, दंत्य या वर्च्य सा मिलती है। ऐसे ही हमने मेघनाथ कहा, जबकि वो मेघनाथ नहीं, वो मेघनाद है, मेघ की तरह नाद यानी गर्जन करने वाला। हमने अश्वस्थामा देखा, जबकि वो अश्वस्थामा नहीं, वो अश्वत्थामा होता है। हमने प्रहलाद की बात करी, इसमें ध्यान रखना ह आदा होता है, प्रहलाद नहीं, प्रहलाद आपका शुद्ध शब्द यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर आपका है, हाँ और कुछ भी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, जैसे कैकई शब्द मिलता है, ठीक है, युधिष्ठर नहीं, युधिष्ठिर शब्द मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, या जो आपको पता है अच्छी बात है, जो थोड़ा सा भी डाउट अगर लगे ना मन में, बहुत सारी चीजें पता क्या होती है, जैसे अभी आपको देखते देखते लग रहा होगा, नहीं यार मुझे लग रहा था ये था, अच्छा हाँ यार सही लिखा है इसने, ये ही होना चाहिए, वो डाउट था आपके मन में, उसको रिविजन के लिए लिखो उसको बार बार, ठीक है। तो जब तक आप स्पष्ट नहीं हो तब तक चीजों को रिविजन में रखें, ठीक है। फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि की बात की गई है, पहले बात करते हैं किंचित की। किंचित जो है ये आपका किम प्लस चित इस तरीके से बना हुआ है। अन्वय की अगर हम बात करेंगे, अनु प्लस अय। नीरस की बात करेंगे, नी विसर्ग के साथ मिलता, प्लस
रस तद्रूप की तद्रूप की बात करेंगे, तत् प्लस रूप, यहां पर आपके पास रूप मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका ता का क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा, और ये दा आपका इसके साथ आधा रहकर वो ध्रुव बन जाता है। तो यहां पर देखते हैं, प्लस से पहले आपका हलंत है, प्लस से पहले विसर्ग है, प्लस से पहले ऊ की मात्रा है, यहां भी आ है। तो देखो यहां पर सर के स्वर की संधि हो रही है, यानी किसमें, सेकंड वाले में केवल। तो केवल आपका यहां पर स्वर संधि का उदाहरण ढूंढना था, केवल आपका फर्स्ट मिल जाएगा, यानी आपका अन्वय में। और संधि कौन सी, ऊ के बाद देखो भिन्न स्वर आया है ना, और वा बन रहा है, किसमें, यण संधि आपके पास आ जाएगी। बाकी ये व्यंजन हो जाएगी, ये व्यंजन हो जाएगी, आपका विसर्ग मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, फिर से संधि वाला है ना। यहां पर अगर हम बात करेंगे रत्न प्लस रत्ना प्लस कर, रत्न प्लस आकर वगैरह, यहां पर आपका इस तरीके से दीर्घ संधि है। पृथ्वी प्लस ई से, आपका यहां पर भी क्या होना चाहिए था, दीर्घ संधि, ये आपका गलत हो जाता है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ में कौन सा, री वाला, इस तरीके से यण संधि हो बिल्कुल। अधि प्लस ऐषणा, ठीक है, अधि प्लस ऐषणा, तो यहां पर देखो ई के बाद भिन्न स्वर आके या बन रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी क्या है, यण संधि आपके पास मिल जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें सही सुमेलित वाली बात की गई है, तो सही कौन सा मिल जाएगा, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका रत्न प्लस आ प्लस कर से में वैसे ये बना होता, कर मतलब निर्माण करने वाला, इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, रत्न प्लस आकर, ठीक है। पितृ प्लस अनुमति यण संधि, दोनों सही है। पृथ्वी प्लस इसमें दीर्घ हो जाएगी, अधि प्लस ऐषणा में आपके पास क्या मिल जाएगी, यण संधि आपके पास ये मिल जाती है, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है। अब यहां पर व्यंजन संधि की अगर हम बात करेंगे, तो देखो व्यंजन संधि कैसे, पहले ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, फिर से जो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें अगर बात करें तो यश प्लस दा मिलता है, यश को दान करने वाले, देने वाले, इस तरीके से, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। रस प्लस आयन दीर्घ संधि, ये गलत हो जाएगा। परि प्लस छेद, इसमें चा बन जाता है आपका बीच में, परि प्लस छेद, ये व्यंजन संधि के तहत एक ऐसा ही नियम आ जाता है, जहां पर आपको चाहिए रटनी, अनु प्लस छेद का अनुच्छेद, ठीक है, आपका परि प्लस छाया, परि प्लस छेद का परिच्छेद हो जाएगा। ऐसे यहां पर और भी चीजें आपके पास मिल जाता, तरु प्लस छाया का तरुच्छाया हो जाता, आधा चा का निर्माण हो जाएगा। विपद जाल है, तो इसका क्या मिल जाएगा, विपद प्लस जाल, इस तरीके से मिलता, आपने जरूर पढ़ा होगा, जहां पर जा का जा बन जाता है, ता या दा के बाद जा आए तो इसका भी जा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपका व्यंजन संधि है, तो तीसरा और चौथे में आपके पास व्यंजन संधि मिल जाती है, तीसरा चौथा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8th वाला, कि निम्न में से कौन, निम्न में से किसका संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी जिसका सही है वो आपको बताना, ठीक है। देखो तो हमारे पास है महालाभ, ये आपका एक्चुअली में इसमें महान प्लस लाभ से बना है, महान है जो लाभ, इस तरीके से, ठीक है। तो कई सारे जगह पर संधि के नियम आपका लागू नहीं होते हैं, वहां पर आपको सार्थकता के हिसाब से शब्दों को देखना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। अगर हम बात करेंगे महेश्वर्य की, तो इसमें महा प्लस ईश्वर नहीं, महा प्लस ऐश्वर्य शब्द मिल जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वि प्लस आयाम सही है, और भिन्न विद प्लस न, ठीक है, आपको पता ना, ता या दा के बाद ना आने पर आपका माया, जो आपका क्या आता है, माया ना आता है, तो आपका उसी का फिफ्थ बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखोगे, जैसे आपका और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जगत प्लस नाथ में जगन्नाथ वगैरह देखे इस तरीके से, तो आपका 3-4 सही हो जाती है, यानी आपका संधि के हिसाब से भी देखेंगे तो ये वी प्लस आयाम में आपका यहाँ पर यण संधि मिल जाएगी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, व्यंजन संधि। इन चीज़ों को भी व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा जाता सीधे सीधे। और महा प्लस ऐश्वर्य की बात करेंगे, तो इसमें देखो मात्राओं की वृद्धि किसमें होती है, वृद्धि संधि आपका स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगी। 9th किस विकल्प में विसर्ग संधि है, फिर से देखें विसर्ग संधि है की बात की गई है, मनोहर की बात करेंगे मनह प्लस हर, निराशा की बात करेंगे नी प्लस आशा, निस्तेज की बात करेंगे नी प्लस तेज, निराहार की बात करेंगे नी प्लस आहार। तो हमने क्या देखा, सभी के सभी में आपके पास यहां पर क्या मिल जाएगी, व्यंजन संधि मिल, सॉरी विसर्ग संधि मिल जाती है। 10th के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, उपसर्ग होते हैं वाक्यांश नहीं, जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं ये शब्दांश यानी शब्दों का अंश मिलता है, तो पहला तो हो गया गलत। सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्दित, बिल्कुल सही है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनको तद्दित प्रत्यय कहा जाता है, ये सही है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, बिल्कुल सही है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, ये गलत हो जाती है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। और आपको देखो पूछा क्या गया है, जो सही सुमेलित है और सही का टीक है दूसरे और तीसरे पर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सही सुमेलित है, ठीक है, फिर से देखो इसकी बात करेंगे प्रत्यर्पण की, तो सभी को पता होना चाहिए भाई, प्रति प्लस अर्पण इसमें मिल जाएगा, आमरण में आ मिल जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी प्लस आगत, ये बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक में क्या मिलता है आपको, प्राक प्लस ऐतिहासिक,
ठीक है, और अगर इस तरीके से मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सीधे सीधे, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी केवल तीन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास आंसर मिल जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। उपसर्ग की बात की गई है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाता है, देखो अप प्लस राद, इसमें अप मिल जाता है, अनु प्लस जा, इसमें भी उपसर्ग है, सरकार प्लस ई, देखो इसमें आपका क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, सुर प्लस ईस में भी उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या मिल जाएगा, सुर प्लस ईस, ये ईस शब्द क्या मिल जाएगा, प्रत्यय के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से आपका यहां पर किसमें उपसर्ग का से नहीं हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग से किसमें नहीं हुआ, केवल तीसरा यहां पर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन में आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ऑप्शन वगैरह यहां पर नहीं है, तो केवल आपका तीसरा यहां पर मिल जाता है जिसमें क्या है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए जो भी लोग आपको ऑफलाइन वगैरह में थोड़ा सा शायद यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह भी थे तो उनको चेक कर लेना। 39 अनु उपसर्ग से बना शब्द, देखो अनु प्लस चर बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुपमा की बात करेंगे तो इसमें आपका अनहलंत प्लस उपमा मिल जाएगा, अनंत की बात करेंगे इसमें सॉरी अंतर की बात करेंगे तो इसमें अन प्लस तर मिल जाएगा, अनुत्तर में भी आपका अनहलंत प्लस उत्तर मिल जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अनु उपसर्ग से क्या बना हुआ है, केवल एकमात्र ए बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय सही सुमेलित नहीं है। देखो अतिथि प्लस ए से बना है, ये तो गलत है, डर प्लस आउना ये भी गलत है, ढाल प्लस ऊ ये भी गलत है, लेकिन खाट प्लस या ये सही है। तो केवल आपके पास क्या मिल जाए, क्या पूछा हुआ है, जो सही सुमेलित नहीं है। देखो एक दो तीन, इन तीनों में क्रॉस है तो एक दो तीन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं कि प्रत्यय युक्त शब्दों का चयन कीजिए। प्रत्यय युक्त जिसमें प्रत्यय है, प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, सा प्लस आदर, इसमें तो उपसर्ग है, इसमें भी नहीं है, सावधान इसमें भी आपका मूल शब्द मिल जाता है वैसे। ठीक है, स्व प्लस भाव, स्व ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो समझ प्लस दार, देखो दार आपका प्रत्यय में आता है, तो केवल चौथा हमारे पास है जिसमें प्रत्यय है, बाकी देखो कुछ में आपका है कुछ में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, फिर से वही आपका देशज विदेशज शब्द वगैरह थे, तो हमारे पास आप देखो पगड़ी लोटा ये देशी यानी देशज शब्द मिल जाते हैं, हिम्मत मौसम, अगर हम हिम्मत मौसम की बात करेंगे तो ये आपका किसमें आ जाएंगे, अरबी शब्द में आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, फिर बेगम और चेचक की अगर हम बात करेंगे तो बेगम चेचक आपका किसमें है, तुर्की में मिल जाते हैं, और संतरा पपीता की अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये आपका किसमें मिलते हैं, पुर्तगाली। सही सुमेलित आपको यहां पर दिया हुआ था तो देखो केवल एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आपका है जो सही सुमेलित आपको मिल जाता है। ठीक हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट अगला कि निम्न में से किस वर्ग में तत्सम शब्द का है, तत्सम शब्द की बात की गई है तो ऑप्शन फर्स्ट ही सीधे सीधे है ना, आशा उसमें आपका साथ चेंज हो जाए, गोपाल का ग्वाल, गंभीर का गहरा, कंटक का कांटा, जंब का आपका जबड़ा वगैरह मिल जाता है भाई। ठीक हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला, 18 पे के निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे श्रेष्ठ या श्रेष्ठन, देखो श्रेष्ठन वैसे आपका सेठानी वगैरह के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सुअर के लिए सूकर शब्द मिल जाएगा, श्रृंग, श्रृंग शब्द की अगर हम यहां पर बात करेंगे सिंह वगैरह के लिए, लेकिन सियार के लिए हमारे पास श्रृंगाल शब्द मिल सॉरी हाँ ठीक है श्रृंगाल, श्रृंगार होता है श्रृंगार, तो श्रृंगार हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, महिष का तो बैल वगैरह भैंस वगैरह के लिए आता है, बैल के लिए बलिवर्द आ जाएगा। ठीक है, और रक्षा राखी केवल चौथा यहां पर आपका है जो सही सुमेलित है आपका तत्सम तद्भव के आधार पर। अगला चलेंगे अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में संकर शब्द, इनमें से संकर शब्द की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका नाका बंदी, देखो नाका हिंदी का शब्द मिलता है और बंदी आपका किसमें मिल जाएगा, ये बंद बंदी या आपका फारसी वगैरह के शब्द मिल जाते हैं तो ये मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन फोर्थ के साथ सोचा तो देखो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होंगे और दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलेंगे। यहां पर हम सामाजिक की बात करें, समाज प्लस एक हिंदी के शब्द हो जाते हैं दोनों, लंबा प्लस उदर ये आपका दोनों हिंदी संस्कृत के शब्द होते हैं सेम है, तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, संकर मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्द। हाँ, अगर मैं इस ऑप्शन में ये पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है तो तब नाकाबंदी और सामाजिक यौगिक हो जाएगा और लंबोदर फिर योग रूढ़ वगैरह में आता है, जो यौगिक तो है लेकिन अर्थ के आधार पर केवल एकमात्र का अर्थ देगा, अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाता है। ठीक हो जाएगा, चलिए 20 के रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार सॉरी हाँ जो आपका परिवर्तन होता है, ठीक है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो भेद मिलते हैं आपका विकारी और अविकारी, तीन मिल जाएंगे आपको रचना
इसी को ध्यान रखना, बनावट, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें तीन हमने देखा क्या, रूढ़ योगिक, योग रूढ़ मिल जाएगा। चार हमारे पास अर्थ के आधार पर मिल जाएंगे, अर्थ के आधार पर आपका एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द मिल जाएंगे। और पांच होते हैं आपका किस आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत इतिहास के आधार पर मिल जाएंगे, जहां पर हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द यहां पर पढ़ लेते हैं। 21 है, असुर का अनेकार्थक शब्द है। देखो असुर की बात करेंगे तो असुर में आपका असुर, देवताओं से रहित, देवताओं से भिन्नता की जो बात करता है, तो यहां पर आपका असुर की अगर हम बात करेंगे तो असुर में रात्रि, पृथ्वी, सूर्य, दैत्य सभी के सभी यहाँ पर इसके अर्थ में मिल जाते हैं, ठीक है। सूर्य शब्द का भी, सूर्य शब्द भी इसका एक अर्थ मिल जाता है, भाई ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द सही सुमेलित है। समानार्थी की अगर हम बात करेंगे तो समानार्थी का मतलब क्या हो जाता है, समानार्थी का मतलब आपका सीधे सीधे किस चीज़ से है कि पर्यायवाची शब्दों से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे देखो, वृत्या, तो वृत्या होता है नौकर के लिए, नौकर या चाकर के लिए, ठीक है। मधुवाणी की बात करेंगे तो मधुवाणी आपके पास क्या मिल जाएगी, इंद्राणी शब्द के लिए मिल जाएगा। त्रिलोचना, त्रिलोचना मिलता है आपका यहाँ पर किसके लिए, जो यहाँ पर आपका त्रिलोचना मिलता है, त्रिलोचना सॉरी कोयल नहीं, त्रिलोचना मैना है, ठीक है हाँ। और छपानाथ की बात करेंगे तो छपानाथ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चंद्रमा शब्द आपके पास मिल जाता है, ठीक हो जाएगा हाँ। मैना के लिए त्रिलोचना और चंद्रमा के लिए छपानाथ, छपा यानी छया शब्द मिलता है रात्रि के लिए, और छपानाथ रात्रि का नाथ कौन है, फिर आपका चंद्रमा मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सही सुमेलित की बात की गई तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपका क्या हो, सही सुमेलित आपको मिल जाता हो, ठीक हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही सुमेलित है, जो सही है वो बताना। देखो मही मतलब है पृथ्वी, तो मही देव, मही के देवता कहा गया, भूसुर कहा गया किसको, ब्राह्मण को। अगर मैं यहीं पर महीपाल लिखता तब राजा हो जाता है, ठीक है, ये महादेव हो जाएंगे। स्मर की बात करें कामदेव, ये बिल्कुल सही है। कृतांत, कृतांत शब्द आता है यमराज के लिए, ठीक है। और वात हो जाएगा, तो वात आपका पवन या हवा के लिए हो जाएगा, इसका गात मिल जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। चलेंगे अगले वाले पे, चल देखो इन चीज़ों को याद करो, इन चीज़ों को सर्च करो, जहाँ पर भी आपको विलोम पर्यायवाची मिलते हैं उन चीज़ों को देखो, जो भी किताब आपके पास है लूसेंट है या जो भी कुछ चीज़ें, उनके आगे नेट पे ढूंढ के फिर आपका ऐड करते रहो, ठीक है। तो बस जो डाउट वाली चीज़ें वो यहाँ पर आपका बताने की कोशिश रहेगी, बाकी चीज़ें तो आपको पता है आपका हो ही जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इनमें, है ना। चलिए हमारे पास यहाँ पर 24 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। देखो मोक्ष की अगर हम बात करेंगे तो मोक्ष का आपके पास मिल जाएगा बंधन, ठीक है। विरह की बात करेंगे तो विरह का यहां पर आप मिलन कह सकते हो, ठीक है। सोम और कृपण दोनों एक ही हैं, इन दोनों का क्या मिल जाएगा, दाता शब्द मिल जाता है। विरत का रत मिल जाएगा, ठीक है। और राग का विराग वगैरह इस तरीके से। दुष्कर का सुकर, दुष्कर मतलब बुरा काम, सुकर मतलब अच्छा काम, कर मतलब काम के लिए आता है, ठीक है। चंचल का आपका स्थिर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका कोई भी सही नहीं था, 1, 2, 3, 4 जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है विलोम शब्दों के आधार पर। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। फिर से ये आपके पास किस रूप में दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है कि यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है आमिस का निरामिस, ठीक है, बिल्कुल सही है। आमिस या सामिस की अगर हम बात, ध्यान रखना इसको, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। आमिस या सामिस की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का निरामिस मिल जाएगा, ठीक है। हास की बात करेंगे तो हास का रुदन, बिल्कुल सही है। एक हमारे पास ह्रास आता है, ह्रास का क्या हो जाएगा, वृद्धि मिल जाएगा। ह्रास का अर्थ हो जाएगा कम होना, इसका हो जाएगा वृद्धि। संश्लिष्ट का विशिष्ट नहीं, संश्लिष्ट का क्या मिल जाएगा, विशिष्ट शब्द मिल जाता है, जबकि विशिष्ट का क्या मिल जाएगा, सामान्य शब्द मिल जाता है। स्मरण की बात करेंगे तो स्मरण का विस्मरण यहां पर आपको विलोम शब्द मिल जाता है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन पहला और दूसरा हमारे पास यहां पर सही हो जाता है, यानी आपको तो सही नहीं पूछा था, जो सही नहीं है वो पूछा हुआ था, तो 3 और 4 यहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो आपका सही सुमेलित नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, ठीक है, इसको आदर्शवादी नहीं कहते हैं, अवसरवादी, अवसरवादी वगैरह हो जाएगा, जिसकी गहराई नापी जा सके। देखो जिसकी गहराई न नापी जा सके तब यह सही हो जाएगा। अथाह या अगाथ शब्द इसके लिए आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिसकी उपमा न हो,
वो अनुपमेय, देखो जिसकी उपमा हो ना उसके लिए उपमेय, ये आप सही है। तो ऑप्शन हम देखते हैं तो फोर्थ वाला जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अद्य प्रसूत हो जाएगा, तो केवल चौथा सही है, यानी आपको सही नहीं जो नहीं है वो पूछा हुआ था, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाता है। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक अनुदान, किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला आर्थिक अनुदान क्या पूछा हुआ है, तो बिल्कुल सही है अनुदान, और आपको यही पूछा हुआ था कि जो सही है तो ये पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाता है, जो अवश्य होने वाला हो, क्या हो जाएगा, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी हो जाएगा, शाश्वत तो होता जो निरंतर चले आ रहा हो, ठीक है, जिसका आदि ना अंत कोई हो, जिसका जन्म निचले कुल, देखो कुलीन या अभिजात एक शब्द आता है, इसका अर्थ होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला, आपको पूछा हुआ निम्न कुल में जन्म लेने वाला, उसके लिए आपके पास शब्द आ जाता है क्या, अंत्यज शब्द आ जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, नहीं सुना हो, ठीक है, ये तो नहीं होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो एक ऐसा आता है तो अभूतपूर्व, लेकिन अनुश्रुति की बात करेंगे, जो श्रुति जो कहानी है जो कहावतें चली आ रही हैं उनको अनुश्रुति वगैरह कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, पहले वाला सही मिल जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, देखो ये कई बार चीजें हो रखी हैं, रखने वाले ने किसी व्यक्ति की बात हो रही तो इच्छा के बाद ऊ जुड़ जाता है, जिज्ञासु आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर मिल जाएगा, जिज्ञासु, जिज्ञासा होती जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। जिजीविषा की बात करें, जिजीविषा वर्तनी भी ध्यान रखना जिजीविषा की, और जिजीविषा होता जीवित रहने या जिंदा रहने की इच्छा, विजेता तो खैर आपका ऐसे ही शब्द मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो, के लिए एक शब्द, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसके लिए उत्तराधिकृत मिल जाएगा, ध्यान रखना, जो हमारे पास धरोहर मिलता है, धरोहर या थाती एक शब्द आता है, धरोहर या थाती, इसके लिए आता है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसको क्या कहा जाएगा, थाती कहा जाएगा। रिक्त का मतलब तो वैसे खाली होता है, एक रिक्त आता है, जिन लोगों ने ये किया ध्यान रखना, रिक्त का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति, जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई उसको क्या कहा जाएगा, रिक्त कहा जाता है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब शुद्ध वाक्य की यहां पर बात की गई है कि मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, ध्यान रखना, विशेषण की जो तुलना अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी वहां पर हमारे पास मिलता, देखो उत्तमावस्था में या तो सबसे होगा या तम लगेगा, तो मैं इसको हटा दूं तब वाक्य सही बन जाएगा कि मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है या सबसे उत्कृष्ट कृति है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। सेकंड, वह दंड देने के योग्य है, देखो दंड दिया ही जाता है तो यह सीधे सीधे क्या होगा, वह दंड के योग्य है, इसको हटा देंगे यहां पर से। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन, ये बिल्कुल सही हो जाता है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही है, तो सुषमा पौधों को सींच रही है, ये सटीक हो जाएगा क्योंकि सींचने के लिए भाई मिट्टी तेल थोड़ा डालोगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो पानी डाला जाएगा इसलिए उसके लिखने की जरूरत नहीं होती कुछ चीजों को। 31 वाला आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर से शुद्ध वाक्य आपको यहां पर छांटना है। तो देखो पहला कि इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये बिल्कुल सही है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, करना आएगा ही नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है या इस बात का को स्पष्ट करना आवश्यक, इस तरीके से दोनों फॉर्म में बन जाएगा। मेरे वेतन का अधिकांश नहीं, अधिक प्लस अंश से ये बना हुआ तो भाग नहीं आना चाहिए ऐसे में, लेकिन यहां पर अधिकांश के लिए हम केवल क्या शब्द, अधिक शब्द लिखते हैं कि मेरे वेतन का अधिक भाग बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है। चौथा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, भाई लौटना वापस ही होता है तो वहां पर वापस लौटे अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, तो इनको प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता व्याकरण के आधार पर। 32 के निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है, कौन सा मुहावरा है जो अपने क्या है, अपने अर्थ के साथ सही सुमेलित है। पहला है आपका काले तिल चबाना, काले तिल चबाने का मतलब पराधीनता स्वीकार करना, ठीक है, या किसी के अधीन हो जाना मतलब। दूसरा है अंडे सेना, अंडे सेना क्या होता है, समय व्यर्थ करना हो जाएगा, बोलते ना भाई क्या कर रहा था तू कमरे पर, अंडे सेक रहा था, है ना, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि बेकार का कार्य करना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अरण्य रोदन आ जाता है या अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ, ठीक है, तो ऐसे ही कोई कार्य करना जिसका कोई फायदा ना हो। कथा का बैंगन, यहाँ पर देखो सिद्धांतहीन के लिए तो क्या आ जाएगा,
थाली का बैंगन आ जाता है। ठीक है, कथा का बैंगन है, थाली का बैंगन यहां पर इसके लिए मुहावरा आ जाएगा। तो हम देखते हैं सही कौन सा है। तो अगर हम सही, हाँ सही नहीं है, देखो यहां पर बस ऐसी गलतियां नहीं करनी है। केवल पहला सही था, दूसरा तीसरा चौथा गलत था। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आया था घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। तोला मासा की अगर हम बात करेंगे तो ये तोला और मासा आपने धातु मापन के लिए पढ़े होंगे, चाहे हम उत्तराखंड की बात करेंगे, नॉर्मली भी आपने पढ़े होगा सोने को भाई तोले में लिया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका यही मिलता है कि जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला। 34 आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपके पास यहाँ पर क्या है, सही सुमेलित जो नहीं है वो आपने यहाँ पर बताना था। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये अभी हाल ही में जो लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं ना, हमने इसको लगातार देखा है, ज्योतियों में दाल बांटना और लाइव सेशन में भी ये क्वेश्चन हो चुका है, जहाँ पर क्या मिलता है, झगड़ा होना या हाँ झगड़ा करना या झगड़ा करवाना वगैरह हो सकता है ना, या लड़ाई करना हो जाएगा। रिश्वत देना क्या आता है, चांदी का जूता मारना, तब हो जाएगा क्या, रिश्वत देना। अगला है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे, देखो तो पहला है कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा वो पीर, पीर का मतलब यहां पर क्या है, संत। कबीर जो है वो संत है, जे जाने पर पीर, जो पराए की पीर यानी पराए की दूसरों की पीड़ा जानता है। शब्द आया है लेकिन रिपीट उसका आंसर क्या हुआ है, अलग अर्थ अलग अलग हुआ है, इसलिए ऐसे को हम अनुप्रास नहीं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार पहला वाला गलत। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अब यहां पर भी रिपीट हुआ है लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे ना तो मनुष्य मनुष्य दो में है और दोनों में इसका अर्थ क्या मिल जाएगा, एक ही अर्थ मिलता है। और ऐसे अलंकार को क्या कहा जाता है, लाटानुप्रास कहा जाता है। तीसरा है को घटिए विष भानुजा ये हलदर के वीर। तो यहां पर विष भानुजा के दो अर्थ हमने देखे, विष भानु की जा, विष भानु से जा यानी उत्पन्न राधा भी हो जाएगा और वृषभ की अनुजा गाय के लिए भी बोला जाता है। हलधर बैल को भी कहा जाएगा और हलदल बलराम को भी। इस तरीके से दो दो अर्थ आ रहे हैं, इस शब्द में दो अर्थ चिपके हुए, इस शब्द में दो अर्थ, इसलिए श्लेष सही हो जाएगा। तीसरा सही है भाई, पहला भी गलत दूसरा भी गलत तीसरा सही। चौथा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। नीरद के समान कांति की बात की गई है तो सासी से सम समान किस में आ जाएगा, उपमा अलंकार में, यह भी सही नहीं है। यहां पर दिया हुआ था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। जो लोग क्लासेज में थे आपका करणपुर में दिया जिन्होंने या फिर सुबह का बैच नेहरू कॉलोनी में, वहां पर ये थोड़ा सा शायद ऑप्शन फोर्थ करवा दिया था, तो इसको चेक कर लेंगे, सही कर लेंगे, इसका आपका सेकंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है 36 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि जिस धर्म साध्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि उपमेय उपमान तो आपको पहले ही ऊपर आ गए ना, उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, उपमेय उपमान को उपमान कैसे कहें। यहां पर उसको कहा जाता है वाचक शब्द। वाचक शब्द होते हैं, ठीक है, कि जहां पर क्या है आपका, नहीं वाचक शब्द आपका, वाचक शब्द तो आपको सासी से ये आपका तुलना स्थापित करने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि जिस धर्म साध्य को आधार बनाकर, आधार जिसको बनाया जाता है उसको समान गुणधर्म कहते हैं, समान गुणधर्म। अभी देखेंगे इस चीज को, पहले यहां पर आपका देखें तो ये आपका आंसर गलत है फिलहाल, पहले वाला। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन को पतंग कहा गया सीधे सीधे, तो यहां पर आपका पतंग उपमेय है बिल्कुल, जीवन की बात मतलब यहां पर आपका क्या है, पतंग उपमेय नहीं, पतंग उपमान है, पतंग उपमान। कौन जल रहा है, जीवन जल रहा है, जीवन का वर्णन हो रहा है, जिसका वर्णन हो वो उपमेय, और जिससे उसका तुलना की जाए पतंग से तुलना की जा रही है तो उपमान पतंग उपमान हो जाएगा। तीसरा, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, पहला गलत दूसरा गलत। यमक जो है अर्थालंकार, देखो भाई यमक अर्थालंकार नहीं, यमक क्या है, शब्दालंकार। हम यहां पर देखते हैं असत्य कथन पूछे हुए थे, एक दो और चार आपके पास यहां पर क्या है, गलत हो जाएगा। तो यानी एक दो चार ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इनकी बात करें समान गुणधर्म वगैरह की, ये उपमा में कंडीशन आती है, जैसे माना आपने कहा यहां पर कोई वो दिया क्या, कोई उदाहरण उपमा का दिया,
जैसे माना हमने यहाँ पर कहा कि मखमल सी कोमल हरियाली, वैसे तो ये पूरा मिलता है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात किसकी की जा रही, फैली क्या है, हरियाली फैली है, जिसका वर्णन दिया जाए वो हो जाएगा उपमेय। दूसरी संज्ञा मखमल है, मखमल की, मखमल से तुलना की जा रही हरियाली की, तो जिससे तुलना की जाए वो हो जाएगा क्या, उपमान। अब मखमल है कोमल और हरियाली भी है कोमल, ये वो आधार है जिसको आधार मानकर, ये वो समान गुणधर्म है जिसको आधार मानकर क्या किया जा रहा है, दोनों की तुलना की जा रही है, ठीक है। और सासी से जो वाचक शब्द की मैंने बात करी वो ये मिल जाएगा जो तुलना का बोध कराता है दोनों में, सासी से सम समान सरीका सरीकी, और उपमा में हमने इन्हीं चीजों को रटा हुआ मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37, व्यथा के निवारण के लिए याचिका या अभ्यावेदन। देखो व्यथा निवारण की भाषा आ जाएगी 350 में, फिर इसका 350 का ए, 350 का बी भी आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर 350 के ए में क्या मिलता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान दिया गया, जबकि 350 का दो में भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति मिल जाती है। 348 ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद व विधानमंडल में, संसद व विधानमंडल में विधेयक व अधिनियमों की भाषा, विधेयक व अधिनियमों की भाषा का वर्णन किया गया है 348 में। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि यार संसद तो हमने 120 में पढ़ी थी, राज्य विधानमंडल 210 में पढ़ा था, यहाँ पर स्पेशली विधेयक और अधिनियम जो रखे जाएंगे संसद के पटल पर या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पटल पर उनकी भाषा का उल्लेख है, जबकि 120 में और 210 में संसद और राज्य के विधानमंडल में सामान्य भाषण देने की या कोई प्रश्न पूछने की इस तरीके की भाषा का उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी मिल जाती है। 349 ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं आपका है हिंदी वगैरह में, 345 की बात करेंगे तो ये आपका राज्यों की राजभाषाएं, ठीक है, किसमें जाएंगी, 345 में। अगला चलते हैं, वह पत्र जिसके द्वारा अमुक पत्र के उत्तर की अपेक्षा रहती है, पुराने पत्र को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र इसको कहा जाता है, रिमाइंडर वगैरह, ठीक है। परिपत्र आपका सर्कुलर हो जाता है, जब एक पत्र एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है उसको परिपत्र या सर्कुलर या गस्ती पत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला आता, ध्यान रखना क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाना चाहिए कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति पदोन्नति, देखो राजपत्रित का मतलब है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति राजपत्र, राजपत्र किसको कहा जाता है, गजट, और गजट में प्रकाशित होने वाली हर सूचना को शासनादेश या नहीं, गजट में प्रकाशित हर सूचना को अधिसूचना या इसी को क्या है, विज्ञप्ति कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला इसका यहां पर आंसर मिल जाएगा। परिपत्र की मैं बात कर चुका हूं, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहां पर राजपत्रित अधिकारी न होता, केवल यह होता कि किसी कार्यालय के कर्मचारियों की, बाकी सारी चीजें अगर सेम होती तब इसका आंसर आ जाता कार्यालय आदेश। तो फर्क समझ गए आप, यही घोषणा अगर गजट में प्रकाशित हो रही तो उसको हमने अधिसूचना कहा, और यही सब नॉर्मल अगर आए तो आपका कार्यालय आदेश हो जाएगा। शासनादेश इसको हम सरकारी पत्र कहते हैं, सीधे सीधे शासन का आदेश जो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को, मतलब पद के नाम से पत्र लिखा जाता है किसी सरकारी काम वगैरह करो करने के आदेश देने के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि उत्तम, सॉरी, आपका जो अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली में होता है, हाँ, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में हमारे पास फिर अर्ध सरकारी पत्र आ जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, तो अभी मैं इसी की बात कर रहा था, अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, इसको गोपनीय पत्र कहा जाता है, और व्यक्ति से व्यक्ति यानी अधिकारी के नाम से लिखा जाएगा स्पेशली, इसलिए गुप्त पत्र भी कहते हैं। शासनादेश सरकारी पत्र क्या होता है कि भाई अगर किसी अधिकारी को किसी पद को लिखा गया है, जो अधिकारी उस पद पर हैं वो अगर नहीं भी हैं तो उसका कार्यभार जिन्होंने संभाला है वो उस पत्र को पढ़कर उस पर कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र जिस व्यक्ति के नाम पर होगा उसी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। और बाकी हाँ, यहाँ पर हम ध्यान दे चुके हैं, कार्यालय आदेश में बता चुका हूँ, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन इन दो चीज़ों को फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो कार्यालय ज्ञापन है ये किसी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच में अगर संवाद स्थापित करना है तो कार्यालय ज्ञापन आ जाएगा, और अगर हम केवल ज्ञापन की बात करेंगे तो एक मंत्रालय के अंतर्गत, मंत्रालय के अंदर जो कार्यालय हैं, मंत्रालय के अंदर के जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों के बीच में अगर संवाद करना हो तो तब लिखा जाता है क्या, ज्ञापन। मैंने क्या कहा, एक रेल मंत्रालय है एक शिक्षा मंत्रालय है, दोनों मंत्रालय बीच में अगर संवाद करना है तो आपके पास कार्यालय ज्ञापन, लेकिन
शिक्षा मंत्रालय के ही अंदर जो विभाग हैं उन विभागों के अंदर अगर पत्राचार होना तो क्या मिल जाएगा, ज्ञापन आपके पास मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अवीर कहा था, ठीक है, बिल्कुल सही मिल जाएगा। अपभ्रंश का प्रथम प्रामाणिक प्रयोग अष्टाध्यायी में, देखो अष्टाध्यायी पाणिनि की, और अष्टाध्यायी में हमारे पास आपका लिपि शब्द वगैरह शायद हमने देखा है, लेकिन अगर प्रामाणिक प्रयोग की पहले यहां पर बात की जाती है तो ये यहां पर महाभाष्य, महाभाष्य में मिल जाएगा। ठीक है, भोलनाथ तिवारी ने भाषा के लघुतम सार्थक इकाई शब्द को कहा, यह भी बिल्कुल सही है। और कामता प्रसाद गुरुजी ने क्रिया विशेषण को अंतर विशेषण, तो क्रिया विशेषण को नहीं कहा इन्होंने, अंतर विशेषण किसको कहा, अंतर विशेषण कहा प्रविशेषण को। और आपको पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपको क्या मिल जाएगा, इसके आंसर के रूप में यहां पर मिल जाता है। ठीक हो जाएगा भाई, चलिए अगला चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भौ प्लस इनी, ने प्लस इका, पौ प्लस इत्र, तो सभी सही हैं, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ऑप्शन फोर्थ में दो मात्रा की जगह एक मात्रा होना, तब आपका हवन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर मिल जाएगा, सभी के सभी अयादि संधि के उत्तर आपके पास आंसर मिल जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अगला आता है 43 की, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रथम विचार दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही मिल जाएगा। दूसरा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट्ट को अपभ्रंश व आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी माना है, ये भी सही है। सुनीति कुमार चटर्जी का ही आपका एक सुझाव था कि हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए, जो आपका क्या है नहीं माना गया मतलब। ठीक है, श्रीनिवास दास ने, तो यहाँ पर ही आपका गलत हो जाता क्योंकि आकी बाराखड़ी हमने काका कालीलकर में पढ़ी है, और श्याम सुंदर दास ने पंचम अक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ये बिल्कुल सही मिल जाता है। तो आपका एक दो और चार सही है, सही ढूंढना था, एक दो चार आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अगला, कौन सा सही सुमेलित है, खड़ी बोली को कौरवी नाम। देखो, खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया, ये दिया गया किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, और खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा फिर किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये भी गलत, ये भी गलत। हरियाणवी को बांगरू नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अवधि का अन्य नाम देसी हिंदुस्तान नहीं, देसी हिंदुस्तानी ना जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौरवी को, ये है ना सेकंड वाले में। ठीक है, अवधि का अन्य नाम क्या मिल जाएगा, अवधि को कौसली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो हस्ताक्षर नेत्र दोनों हमेशा बहुवचन में, इसके अलावा भी कई सारी चीजें आगे आपका आएंगे जहां पर ग्रामर, अभी तो देखो रटने वाली चीजें इसमें ज्यादातर हैं। ठीक है, जो आपका संज्ञा सर्वनाम से पहले वाले जो टॉपिक मिलते हैं वो अधिकतर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बाकी जो समझने वाली चीजें आगे संज्ञा मेन जो ग्रामर है समझने वाली वो आपको आगे मिलने वाली। ठीक है, इनको ध्यान रखना, आटा हवा जनता भीड़ वगैरह सामान सोना, ये सही हमेशा एक वचन वाले, हस्ताक्षर नेत्र प्राण दर्शन भाव दाम बोलते ना, उसके भाव बड़े उसका भाव नहीं उसके भाव, है ना, तो इस तरीके से इन चीजों को यहां पर हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। 46 से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अ की, तो आ आपका अग्र में नहीं है, सबसे पहले आ जाएगा किसमें, मध्य में, ये ऑप्शन यहीं पर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अर्धविवृत में तो भले है लेकिन अग्र में नहीं मिलता है। ई है मध्य स्वर, तो मध्य में नहीं है, सबसे पहले ई आपके पास किसमें आ जाएगी, अग्र में आ जाएगा, विवृत बिल्कुल सही है। ऊ है पश्च स्वर और संवृत, बिल्कुल ऊ आपका पश्चिम में, पश्चिम में मिल जाएंगे और समृद्ध, इसलिए थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ए की बात करेंगे तो अग्र तो है लेकिन अर्ध विवृत नहीं, ये आपका क्या मिल जाएगा, अर्ध समृद्ध में मिल जाता है, जो आपका कितने बिना मात्रा या एक मात्रा वाला ए मिलता है, अर्ध विवृत में दो मात्रा वाले आई और औ आपके पास आ जाएंगे किसके साथ साथ, अ के साथ साथ। 47 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित या प्रकंपित, सभी को पता ये बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, तो रा मिल जाएगा, अगर हम या और वा की बात करेंगे तो इसको हमने क्या नाम दिया है, ये आपके पास अर्ध स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं, इन्हीं को संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ल की बात करेंगे तो ल आपके पास क्या मिल जाएगा, पार्श्विक व्यंजन के रूप में मिल जाता है। अगला, संपादष्टानक शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है, तो यहां पर अगर हम आपने किया होगा इसका वर्ण विच्छेद वगैरह, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड स प्लस अ, ठीक है, माँ मिल जाएगा अनुस्वार का रूप पा के संपर्क में आके, पा प्लस आ का पा बन गया, द प्लस आ का द, स आधा है तो स आधा, ठ और प्लस आ ठ प्लस आ, न न प्लस आ, क क प्लस आ, ऑप्शन नंबर थर्ड। और देखो वर्ण विच्छेद आपने लगातार कर रही होंगे, जो यहाँ पर दिक्कत केवल बस इस चीज़ की थी कि अनुस्वार बदलेगा, तो ऐसी स्थिति में जब अनुस्वार के अगला वाला स्पर्श व्यंजन हो तो ये अगला वाला स्पर्श व्यंजन के फिफ्थ में चले जाएगा,
अनुस्वार का अगला था पा, और पा का पांचवा क्या था? मां। इसलिए यहां पर आपका मां के रूप में लिखा गया। अरे स्त्री शब्द में कुल वर्णों की संख्या, इसके लिए भी तो वर्ण विच्छेद करने ना सीधे सीधे, क्या मिल जाएगा आपको स्त्री में? सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस ई, एक दो तीन चार, कितने मिल रहे हैं? चार वर्ण आपके पास यहां पर आपको स्त्री शब्द में देखने को मिल जाते हैं। और अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखो भाई ये बहुत आसान चीजें, का वर्ग कंठे में सभी को पता है, ता वर्ग की बात करेंगे तो ता वर्ग आपका ओष्ठ में नहीं, ता वर्ग किसमें मिल जाएगा? दंत में। ओष्ठ में कौन सा? पा वर्ग आपके पास मिल जाता है, ठीक है। चा वर्ग ताले पे, टा वर्ग मूर्धन्य ध, तो ये पांचों पांचों वर्ग यहां पर हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस वर्ग को कोमल तालव्य कहा गया, का वर्ग को, कठोर तालव्य की बात आएगी तो चा वर्ग को, चा वर्ग को स्पर्श के साथ साथ स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल ये इसका पार्ट फर्स्ट था, 50 क्वेश्चन, बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे जल्दी उसकी वीडियो आपको फिर इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।